आप गाना गाते रहिए अल्मा इकबाल का कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, मिटती जा रहे हैं आप हस्ती। हिंदू बहुत तेजी से कम हो रहे हैं, आप सिमटते चले जा रहे हैं। उसी समय जनरल जियाउल हक ने एक पॉलिसी बनाई, इंडिया ब्लीड्स थ्रू 1000 कट्स, इंडिया ब्लीड्स थ्रू 1000 कट्स। और इसी के बाद उनको पता है कि औकात ये तो नहीं है कि भारत से सामने से लड़ पाए, कई युद्धों में लगातार हार मिली। इसी के बाद अप्रत्यक्ष आतंकवाद को जन्म दिया। बांग्लादेश की आज की हालत पर चर्चा करने से पहले थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं और बात करते हैं 1905 की। 1905 में जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का निर्णय लिया जुलाई में और अक्टूबर में उसने बंगाल विभाजन इंप्लीमेंट कर दिया। पूरे बंगाल में इसके विरोध में सारे बंगाली अस्मिता के लोग एकत्र होने लगे, स्वदेशी आंदोलन हुआ और ये इतना भीषण विरोध हुआ कि अंततः 1911 में अंग्रेजों को बंगाल विभाजन वापस लेना पड़ा। अब आते हैं आज की परिस्थिति। आमार सोनार बंगाल का राष्ट्रगान बन गया, बांग्लादेश का राष्ट्रगान बन गया। लेकिन आज जब मैं सुबह देखता हूं अपना मोबाइल तो उसमें गुरुदेव टैगोर मूर्ति का जो सर है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हुआ पड़ा है। और यही नहीं, पूरे मीडिया में अगर बांग्लादेश के हालात पर नजर डाली जाए तो जिस व्यक्ति ने बांग्लादेश का निर्माण कराया, पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया, जी हां शेख मुजीबुर रहमान, उनकी मूर्ति को तोड़ा गया और हद हो गई असभ्यता की। जब आपने देखा होगा मूर्ति के सर पर एक युवा उस पर बाथरूम कर रहा है। जी हां, वो बंगाल जो अपने आप को जेंटलमैन भद्र जन का देश कहता था, आज बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ, बांग्लादेश की परिस्थितियां और सड़कों पर जो हो रहा है, कोई भी देश कोई भी समाज कम से कम इस बात पर गर्व नहीं कर सकता। बहुत दुखद है, शर्म आनी चाहिए। और इन सारी बातों में अब हम आते हैं कि आखिर इस बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन का उद्देश्य क्या था। बड़ा स्पष्ट दिखता है और लोग शुरुआत होती है छात्र आंदोलन से। आरक्षण को लेकर बड़ी मात्रा में बड़ी संख्या में स्टूडेंट सड़कों पर आते हैं और धीरे धीरे वो ऐसा मॉब इकट्ठा होता जाता है कि ऐसे हालात कैसे हो गए कि प्रधानमंत्री को बहुत कम समय में देश छोड़ना पड़ा और बहुत ही समझ लीजिए जरूरत की चीजों को थोड़ी मात्रा में लेकर वो भारत आ पाए। इसके पीछे सबसे पहले हमें उस बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति को समझना होगा। इसे हम एक तरह से दो फैक्टर में बांट कर देखें कि बांग्लादेश में ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। पहले इंटरनल कारण, फिर एक्सटर्नल कारण, मतलब आंतरिक और बाह्य। आंतरिक कारण जब देखते हैं तो बेसिकली जब बांग्लादेश बनता है तो बांग्लादेश की बुनियाद में ही राजनीतिक विरोध वैचारिक रूप से प्रबल होता है। जब बंगाली अस्मिता को लेकर जब पाकिस्तानियों ने बांग्लादेश में बहुत अत्याचार किए, उस मुद्दे पर 1971 में शेख मुजीबुर रहमान ने जो मुक्ति वाहिनी को लेकर भारत के समर्पण से, भारत के सहयोग से पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश नामक देश बनाया। लेकिन आपको आश्चर्य होगा उसी समय बहुत सारे लोग ऐसे थे जो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते थे। तो बुनियाद में ही विरोध है। मतलब क्या है, वास्तव में बांग्लादेश के लोग बांग्लादेश चाहते थे या वो पूर्वी पाकिस्तान बनकर रहना चाहते। इसी समय दो पार्टी का उदय होता है, एक आवामी लीग शेख मुजीबुर रहमान के बाद जो शेख हसीना के नेतृत्व में आगे बढ़ती है, और दूसरी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो पाकिस्तान के पक्ष में है, जो कट्टरपंथिता को, धार्मिक कट्टरपंथिता को अपना सबसे बड़ा आधार मानती है। ये शेख मुजीबुर रहमान जो राष्ट्रपिता हैं, जिन्होंने बांग्लादेश को बनाया, 1975 में कूप होता है, सैन्य विद्रोह होता है और जनरल जियाउर रहमान के नेतृत्व में पूरे परिवार की लगभग हत्या कर दी जाती है और किसी तरह शेख हसीना बचती है। यही से शुरू होता है दो पार्टी। और 1975 में आपको आश्चर्य होगा एक ही बार 4 कूप होते हैं। आपको समझना चाहिए कि भारत में गांधी क्यों इतने महान है। हिंसा के द्वारा अगर सत्ता परिवर्तन होगा, बुनियाद रखी जाएगी राष्ट्र की, तो वो हिंसा होती रहेगी, न्यूटन थर्ड लॉ काम करता रहेगा।
वो आज भी बुनियाद में, यहीं से अब आगे बढ़ता है। और बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में दो बेगम उभरती हैं, शेख हसीना, खालिदा जिया, पार्टी बीएनपी और आवामी लीग। अब ये संघर्ष चलता रहता है और अंततः जिस बात पे आना है, शेख हसीना आवामी लीग भारत के पक्ष में है, सेकुलरिज्म को मानती है। दूसरी तरफ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की जो बेगम है खालिदा जिया, ये वही जनरल जियाउर रहमान की पत्नी है। और इन्हीं के बेटे तारिक रहमान आज बीएनपी के एक्टिंग चेयरमैन है, जो लंदन में रह रहे थे। और इस पूरी कार्रवाई में ये कहा आता है, क्यों मैं इस पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि जड़ में बांग्लादेश की इस तख्ता पलट के जड़ में वहां की आंतरिक राजनीति और कट्टरता है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, शेख हसीना जब जब बनी तब इस तरह का विरोध आया। जब 2009 में दूसरी बार वो प्रधानमंत्री बनी तो शायद आपको याद होगा कि बांग्लादेश राइफल ने विद्रोह कर दिया था। और अगर प्रणब मुखर्जी और भारत सरकार ने बड़ा सक्रिय एक्शन नहीं लिया होता तो हो सकता है तख्ता पलट उसी समय हो जाता, लेकिन भारत की भूमिका से जो टल गया। 9 से 24 तक शेख हसीना प्रधानमंत्री हैं, जनवरी में चुनाव होता है, जनवरी 2024 में बीएनपी बायकॉट करती है, आरोप लगता है कि यह सही लोकतांत्रिक चुनाव नहीं है, अमेरिका भी इसका साथ नहीं देता, कहता है यह सही चुनाव नहीं है। लेकिन शेख हसीना को यह पता है कि उन्हें किन कट्टरपंथी ताकतों से लड़ना है, बीएनपी, आईएसआई, बहुत सारे अमेरिका ऐसे प्रेशर थे। चुनाव हुआ और जिन लोगों ने भाग लिया उसमें बड़ी मेजॉरिटी के साथ शेख हसीना प्रधानमंत्री बनी। और जब प्रधानमंत्री बनी उसके बाद जनवरी में ही उन्होंने एक बयान दिया था जो उसी सदस्य विवाद में आया था, कि एक गोरा व्यक्ति उनके पास आया और उसने कहा कि बांग्लादेश की कुछ जमीन, म्यांमार की कुछ जमीन को लेकर वो एक क्रिश्चियन देश बनाना चाहते हैं। शेख हसीना ने इससे मना कर दिया, ये एक तरह से सौदा था। शेख हसीना से कहा गया आपके चुनाव को, आपके चयन प्रक्रिया को, आपके लोकतंत्र को हम सही मानेंगे, आपके ऊपर कोई आरोप नहीं आएगा, लेकिन आप हमें लैंड दें। और कहा जाता है शेख हसीना ने मना कर दिया, यहां से एक्सटर्नल बात भी आती है। लेकिन जब इंटरनल बात कर रहे हैं तो यही देखिए, पॉलिटिक्स में एक तरफ खालिदा जिया, बीएनपी, तारिक रहमान वाली बात आती है और इन सबके ऊपर एक और दल है जमाते इस्लामी। ये जमाते कट्टरपंथियों का बहुत बड़ा संगठन है और साथ ही साथ पाकिस्तान की आईएसआई का सीधा सपोर्ट है, सारी फंडिंग, सारी ट्रेनिंग जमाते को वहां से मिलती है। जमात और बीएनपी एक हो गए। तारिक रहमान लंदन में रहते हैं जो एक्टिंग चेयरमैन है, क्योंकि आपको पता है कि शेख हसीना के प्रधानमंत्रित्व काल में बीएनपी के बहुत सारे नेताओं, यहां तक कि खालिदा जिया को भी जेल में डाल दिया गया, इसीलिए इन पे निरंकुशता का आरोप लगता रहा। लेकिन इसी बीच में तारिक रहमान ने बड़ी भूमिका निभाई। जब देखा कि वेस्ट भी नाराज है शेख हसीना से, तो पाकिस्तान यहां पर अब एक नेक्सस बनता है बीएनपी जमात का, पाकिस्तान की आईएसआई तो हमेशा साथ है और वेस्टर्न कंट्री, और बड़ी अच्छी से इस प्रोग्राम को, इस प्रोपेगेंडा को, इस पूरी षड्यंत्र को रचा जाता है कि हर तरह से मदद हो। आपको आश्चर्य होगा, बीएनपी तो बैंड थी लेकिन इसका जो छात्र संगठन था, उस छात्र संगठन ने बड़ी चालाकी से पिछले 3-4 सालों में विश्वविद्यालय, हर बड़े विश्वविद्यालय में अपना काडर मजबूत कर लिया, बहुत सारे छात्रों को शामिल किया। और छात्रों को शामिल करने के बाद जो आप तीन चेहरे इस आंदोलन, इस विद्रोह में देखते हैं, चाहे वो अबू बकर हो, चाहे नजरुल इस्लाम हो, ये तीनों चेहरे बेसिकली प्लांटेड थे और जमाते इस्लाम ने इन्हें पूरी तरह से कट्टरता के साथ, धार्मिक उन्माद के साथ आगे बढ़ने की बात कही। अब धीरे धीरे हर यूनिवर्सिटी में छात्रों को किस मोर्चे पर भड़काना था, उन्हें एक साधन चाहिए था, एक चेहरा चाहिए था। विद्रोह की पृष्ठभूमि 3 साल तैयार थी, लेकिन मुद्दा क्या हो, तो इस पे एक मुद्दा आता है आरक्षण का, और विशेषता जो 30% का मुक्ति सेना के लोगों को जो आरक्षण दिया गया था सरकारी सेवाओं में, खासकर सिविल सेवा में, उसके प्रति नाराजगी छात्रों की शुरू हुई, चूंकि रोजगार
आप जानते हैं हर जगह का मुद्दा है। युवा ऑब्वियसली अगर पढ़ा लिखा है उसे रोजगार चाहिए योग्यता के आधार पर, यह मुद्दा वहां भी बढ़ने लगा। लेकिन एक और अजीब सी बात है कि 2018 में जब यह मुद्दा उठा था उसके बाद ही लगभग शेख हसीना ने इस बात को मान लिया था, लेकिन यह जिन्न फिर बाहर आया जब एक हाईकोर्ट ने फिर से इस आरक्षण को मान्यता दे दी थी और इसके खिलाफ फिर सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, यह आरक्षण सही नहीं है। और लगभग आरक्षण की बात लड़ाई के लिए मुद्दा जिंदा रखने के लिए ठीक थी, लेकिन जुलाई 21 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि ऐसा आरक्षण नहीं है और केवल 5% के आरक्षण की बात रह गई थी। तो अगर वास्तविक आधार पर अगर आरक्षण मुद्दा था, छात्र राजनीति का मुद्दा था, तो आरक्षण की बात तो समाप्त हो चुकी थी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद, शेख हसीना ने भी स्वीकार लिया था। लेकिन इस मुद्दे को जिंदा रखना था, छात्रों को मोहरा बनाना था। कट्टरपंथियों ने इसको मोहरा बनाया, पीछे की पूरी साजिश चल रही है इंटरनल पॉलिटिक्स की, जिसके पीछे पूरा बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का काडर है, जमात ए इस्लाम है, पाकिस्तान का ISI है, थोड़ा सपोर्ट वेस्ट का भी है। और इस तरीके से पूरी बुनियाद रची गई। और यहां जरूर एक गलती शेख हसीना की है कि आखिर उनका खुफिया तंत्र क्या कर रहा था। शेख हसीना पर एक आरोप लगता है पिछले 15 सालों से है, और एक बार और 2001 से 6 में प्रधानमंत्री बन चुकी थी और 9 से 24 20 साल से प्रधानमंत्री थी। इन्होंने अपना खुफिया तंत्र, इनका कहां चला गया कि जो ये सारी चीजें हो रही है, गतिविधियां हो रही है, उनको पता नहीं चल पाया। जनवरी में रशिया के सूत्र बड़ा स्पष्ट कहते हैं कि बांग्लादेश में अगस्त में एक स्प्रिंग हो सकता है। ऐसे में बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जिससे यह बात कही जाती है। और जब G20 की मीटिंग में भारत ने स्पेशल गेस्ट के रूप में शेख हसीना को बुलाया, तो कई देशों को ऐसा जरूर लगा कि वरीयता दी जा रही है भारत द्वारा बांग्लादेश को, और शायद उस समय शेख हसीना ने भारत को और भारत ने शेख हसीना को कुछ जमीनी हकीकत से परिचय कराया होगा। इसके बावजूद जो तानाशाही का आरोप लगा, मानवाधिकारों के हनन का आरोप लगा, मीडिया कंट्रोल का आरोप लगा, लेकिन शेख हसीना इस स्थिति को नियंत्रण नहीं कर पाई, समझ नहीं पाई। छात्रों का हुजूम आने लगा, न्यूज मिलती है कि 4 अगस्त को 2 लाख से अधिक लोग ढाका में आ रहे हैं प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ। पहले उन्होंने इंटरनेट मीडिया सब बंद कर दिया कि सूचना ना जा पाए, क्योंकि इतनी बड़ी विस्फोट की उम्मीद उन्होंने नहीं की थी। और अचानक सेना प्रमुख अब कहते हैं, ज्याऊ जो बकर हैं उनको कहते हैं कि अब आप भारत की तरफ जाएं या सेफ पैसेज में जाएं, बांग्लादेश आपको छोड़ना होगा। ये हालात इतनी जल्दी, इतनी बड़ी घटना, इतनी विस्फोटक घटना केवल इस बुनियादी छात्र आंदोलन से नहीं हुई, और उसके बाद जो हालात आते हैं, जो सड़कों पर जिस तरह आतताइयों की तरह, आक्रांताओं की तरह, असभ्यों की तरह व्यवहार किया जा रहा है, वो सही में बड़ा एक मानव होने के नाते, एक मनुष्य होने के नाते अगर आप देखें तो आपको खुद पे शर्म आएगी। इसका मतलब, और जिस तरह से हिंदू बस्तियों, हिंदू मंदिरों, भारतीय नागरिकों को टारगेट किया जा रहा है, आवामी लीग के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। आपने अगर आज की न्यूज पढ़ी हो तो दो नेताओं का ब्रूटल मर्डर किया गया, आग लगा दी गई। कुल मिलाकर जो हालात है, कम से कम पढ़ा लिखा छात्र वैसा नहीं कर सकता। इसके पीछे अगर हम कंपेयर करें तो तालिबान अगर आपने देखा हो, या लाहौर में जब एक भीड़ जनरल के घर में घुस गई थी, एकदम इसी तरह से उन लोगों ने भी प्रधानमंत्री और जनरल के कमरे को लूटा, बहुत सारी चीजें, किचन की चीजें खाई। और जो हालात बांग्लादेश में छात्रों, तथाकथित छात्रों ने घुसकर जो उनके कपड़े को लेकर जो नुमाइश की, वो साफ बताती है कि असभ्यों का एक रेला था, काफिला था। इन सारी बातों में एक चीज तो बड़ी साफ है कि अब बांग्लादेश उन हाथों में है जो ये चाहता है। एक तरह से वो पूर्वी पाकिस्तान
या पाकिस्तान का छोटा भाई बनकर रहना चाहते हैं। आईएसआई द्वारा नियंत्रित है, कट्टरपंथिता नियंत्रित है। और याद रखिए, अगर कहा जाए जैसे पाकिस्तान के बारे में कहा जाता था कि पाकिस्तान को 3A चलाते हैं, अल्लाह, अमेरिका और आर्मी, लगभग बांग्लादेश में अब यही स्थिति हो जाएगी, कम से कम 2A और अमेरिका का पक्ष भी है। ऐसे में पूरे विश्व की शांति के लिए और खासकर भारतीय परिप्रेक्ष्य में यह स्थिति बड़ी विस्फोट है। दूसरा, इस विद्रोह का अगर एक्सटर्नल कारक देखें, विदेशी संबंधों को देखें, तो सबसे पहले पाकिस्तान तो है ही है। यह वही पाकिस्तान है जब हमने ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनवाने में मदद की थी। जनरल जियाउल हक या पूरा पाकिस्तान इस बात से बेचैन था कि भारत के कारण उन्हें हार मिली। और आपको याद होना चाहिए, उसी समय जनरल जियाउल हक ने एक पॉलिसी बनाई, इंडिया ब्लीड्स थ्रू 1000 cuts, इंडिया ब्लीड्स थ्रू 1000 cuts। और इसी के बाद उनको पता है कि औकात यह तो नहीं है कि भारत से सामने से लड़ पाए, कई युद्धों में लगातार हार मिली। इसी के बाद अप्रत्यक्ष युद्ध आतंकवाद को जन्म दिया। याद रखिए, 1000 cuts जिससे भारत लगातार खून बहता है, आतंकवाद उसी की एक तरह से उसी समय की संतति है। अब उसी फेज में फिर उस पीड़ा को लेकर पाकिस्तान हमेशा बांग्लादेश को लेकर इसी आग में जलता रहता है। तो पाकिस्तान तो है। दूसरा फैक्टर अगर चीन को देखा जाए, ये आपको पता होना चाहिए कि आज भी अगर हम बांग्लादेश का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देखें तो वो भारत नहीं है, वो चीन है। रक्षा खरीद 80% बांग्लादेश शेख हसीना के काल में भी चाइना से करता था। लेकिन ये स्वीकारना पड़ेगा कि शेख हसीना ने बड़ी समझदारी से चीन और भारत के बीच संतुलन रखा। उसने भारत की वरीयता को नहीं खोया। भारत का बहुत सारा इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश में है, प्राइवेट और पब्लिक दोनों। भारत सरकार बहुत सारे ऐसे रास्ते बना रही है, बहुत सारे ऐसे कॉरिडोर बना रही है जिससे संपर्क बढ़े। आपको याद होगा जो हमने बिम्स्टेक की पॉलिसी की है, थाईलैंड से लेकर हमारे नॉर्थ ईस्ट होते हुए और बांग्लादेश से जोड़ने के लिए कॉरिडोर बना रहे हैं, बहुत सारे गैस प्रोजेक्ट हमारे पास है, पोर्ट का आधुनिकीकरण हमारे पास है। इस सारी बातों को देखते हुए एक संतुलन की नीति शेख हसीना के लिए, और भारत ने भी शेख हसीना को वरीयता दी। क्योंकि बांग्लादेश में एक चीज बड़ी स्पष्ट थी कि जब तक शेख हसीना प्रधानमंत्री हैं, कट्टरपंथिता के आधार पर या कम से कम भारतीय हितों को वहां पर सुरक्षित रखा जाता। एक अगला फैक्टर जो चाइना का है, उसमें एक बात आती है कि पिछले कुछ दिनों से चाइना थोड़ा शेख हसीना से नाराज था। और चूंकि चाइना पाकिस्तान के साथ ज्यादा इस एरिया में अपने प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए उसे प्रश्रय दे रहा है, तो थोड़ा सा उसने अपने आप को शेख हसीना के पक्ष से अपना कदम पीछे खींच लिया। और कहा जाता है जब शेख हसीना चाइना गए तो जो प्रोटोकॉल की उम्मीद उन्हें थी वैसा प्रोटोकॉल नहीं मिला। और उसी समय यह बात बताती है कि कहीं ना कहीं शेख हसीना से चाइना मतलब ये संदेश देता है कि अब आपके पास बहुत समय नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर यहां आता है अमेरिका। वो अमेरिका जो पहले भी इस चुनाव में 2024 के प्रश्न उठा चुका है, शेख हसीना से खुश नहीं है। उसके खुश ना होने का कारण भारत नहीं है बल्कि खुद चाइना है। क्योंकि जो प्रोजेक्ट और जो आर्म्स डील बांग्लादेश चाइना से कर रहा है, अमेरिका चाहता है कि बांग्लादेश उससे भी वैसा ही भागीदार बनाए और चाइना से कम इतनी बड़ी भागीदारी ना करे। और इन सबके बीच आपने शेख हसीना का वो स्टेटमेंट सुना ही होगा कि चुनाव के पहले एक गोरा व्यक्ति, जो मैं पहले भी कह चुका हूं, गोरा व्यक्ति आया और उसने कहा कि हमें कुछ लैंड दीजिए, म्यांमार और बांग्लादेश के कुछ जमीन को लेकर, क्षेत्र को लेकर हमें क्रिश्चियन द्वीप बनाना चाहते हैं। यही नहीं, जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से सेंट मार्टिन द्वीप केवल 8 square kilometers का है, 1 square kilometer, लेकिन दक्षिण एशिया में और खासकर यहीं से अगर हम देखें साउथ ईस्ट एशिया में अपनी जियो स्ट्रैटेजी को मजबूत करने के लिए अमेरिका यहां भी प्रभुत्व चाहता है।
शेख हसीना ने यह नहीं होने दिया, और जब नहीं होने दिया तो सो कॉल्ड गोरे अमेरिका नाराज हो गए। तो इस पूरी साजिश के पीछे जब आता है तो तारिक रहमान जो बीएनपी के एक्टिंग चेयरमैन है लंदन में बैठे हुए हैं, उन्होंने बड़ी चालाकी से आईएसआई जमाते बीएनपी और अमेरिका के पक्ष को एक किया, और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता साजिश के तार जिस तरह जुड़ते हैं यह बात बड़ी स्पष्ट हो जाती है कि पूरा प्लांटेड विद्रोह था किसी तरह से हसीना को हटाना था। और इस तरह इस तख्ता पलट हुआ, और सैन्य तख्ता पलट ना होते हुए पहले कूप होते थे, इस बार सैन्य ना होते हुए भी, लेकिन लास्ट में आपको याद होगा जब जनता सड़कों पर आ गई, पुलिस और सेना चाहती तो मदद कर सकती थी सरकार की, लेकिन सेना ने गोली चलाने से मना कर दिया। कहीं ना कहीं इसके तार सैन्य समर्थन से जुड़ते हैं। आज जब मोहम्मद यूनुस, वही जो नोबेल पुरस्कार पा चुके हैं, वो प्रधानमंत्री बनते हैं और पहली बात कहते हैं कि शेख हसीना का समर्थन करना भारत को ये बांग्लादेश में सही एक तरह से सकारात्मक भावना पैदा नहीं करता। मोहम्मद यूनुस एक मोहरा, एक सॉफ्ट चेहरा लाकर जो नोबेल प्राइज मिला हुआ है अमेरिका के समर्थन से, जो ग्रामीण बैंक के द्वारा उन्होंने माइक्रो फाइनेंसिंग के द्वारा जो बात की, लेकिन इनपे भी बड़े आरोप थे। शेख हसीना ने इनपे भी जालसाजी का मुकदमा चलाया था और ये जेल में भी रहे। तो हालात जो बांग्लादेश के हैं तख्ता पलट के पीछे, छात्र आंदोलन तात्कालिक कारण है, छात्र आंदोलन मोहरा मात्र है, इसके पीछे पूरी साजिश बहुत सोच समझ के पाकिस्तान के सहयोग से आईएसआई के द्वारा, जमाते इस्लाम जो कट्टरपंथिता का गढ़ है, इन सब ने मिलकर एक साजिश रची। दूसरा पक्ष अमेरिका, अपने अमेरिका की याद रखिएगा विदेश नीति पूरी प्रैग्मेटिक है, इसका कोई स्थायी दोस्त है ना कोई स्थायी दुश्मन है, जहां इसको फायदा होगा अपने हितों के लिए यह करेगा। एक थ्योरी यह भी आ रही है कि अमेरिका में डीप स्टेट है। डीप स्टेट का मतलब जब राज्य थोड़ा कमजोर होता है, सत्ता थोड़ी कमजोर होती है, तो कुछ वर्ग जो प्रभावी वर्ग होते हैं वो अपने हिसाब से स्थितियां संचालित करने लगते हैं। खासकर जब अमेरिका में बाइडेन साहब राष्ट्रपति जो कमजोर होने लगे, अंततः उन्हें इस बार अपना कैंडिडेचर तक वापस लेना पड़ा, और ऐसे में वहां आपने सुना होगा अमेरिका में हमेशा जो वहां का अस्त्र उद्योग है, फार्मास्यूटिकल्स है, ये दो तीन उद्योग ऐसे हैं जो अपनी चीजों को जो अपने फायदे के हिसाब से विदेश नीति को संचालित करते हैं। और कहा गया कहीं ना कहीं इन डीप स्टेट ने भी बांग्लादेश की जो स्थितियों में परिवर्तन हुआ, तख्ता पलट हुआ, उसमें भूमिका निभाई। एक अजीब सा इस बहाने आपको डीप स्टेट पता होना चाहिए। और याद रखिए एक समय कहा जाता था कि जानबूझकर अमेरिका किसी पे युद्ध थोपता था जब उसे उसके हथियार नहीं बिकते थे, तो हथियार बेचने के लिए युद्ध लोकतंत्र की रक्षा करने के, क्योंकि बहुत बड़े पुलिस है लोकतंत्र के। अमेरिका ने अपने हथियारों की सप्लाई के लिए कई देशों पर लोकतंत्र न होने का आरोप लगाकर युद्ध किया। इसी तरह कई बार ऐसी बीमारियों का संचार हो गया, बीमारियां निकल गई जब उनकी दवाएं नहीं बिकती थी। ये उद्योग है, ये अमेरिका का ड्रग्स माफिया है, ये अमेरिका का आर्म्स माफिया है। और इन सारे हालातों में अब जब आते हैं, अगर इस पूरी चीजों में कोई हारा है तो वो है सबसे पहले तो खुद बांग्लादेश। आखिर वो बंगाली अस्मिता बनेगी या नहीं बनेगी, ये तालिबान से बुरी स्थिति है, क्योंकि अमेरिकी प्रभुत्व के बाद वहां पश्चिमी विरोध में तालिबान ने शासन किया, जो भी उनकी रणनीति रही हो, लेकिन धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहे। लेकिन बांग्लादेशी अस्मिता पर एक चोट है, ये ईस्ट पाकिस्तान की ओर बढ़ने का काम है। दूसरी जो हार होती है वो भारत की, और भारत के समक्ष चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। सबसे पहले जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, जो हमारी रिलेशन है, उन सारी बातों के बाद पहली चीज तो यह तय है कि अगर कट्टरपंथी सरकार का समर्थन है, मोहम्मद यूनुस चेहरा है, आईएसआई पीछे है, बीएनपी का सपोर्ट है, तो पहली चीज तो बहुत तय है कि सबसे पहले याद रखिएगा
4000 से ज्यादा किलोमीटर की बाउंड्री भारत और बांग्लादेश के बीच में, सबसे बड़ी सीमा हम साझा करते हैं बांग्लादेश के साथ। हमारा वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाली भी हमारे 5 राज्य की सीमा बांग्लादेश से मिलती है। सबसे पहला काम, हमारी सीमाओं की सुरक्षा बहुत जरूरी है, और इसमें भी शरणार्थी, जो हालात है बांग्लादेश के, जो आर्थिक बेरोजगारी की स्थिति है, मंदी की स्थिति है, जो अस्थिरता है, राजनीतिक अशांति है, बहुत तेजी से इन्फ्लक्स हो सकता है शरणार्थियों का। और वैसे भी बांग्लादेशी शरणार्थियों का इलीगल प्रवेश, यहां नागरिकता दिया जाना हमेशा मुद्दा रहा है। एक तुच्छ राजनीति कहें, अपीजमेंट जिसको हम तुष्टीकरण कहें, उसके चक्कर में इस देश ने अपना बहुत कुछ बिगाड़ लिया है। और फिर अगर ऐसी हालत आई तो सबसे पहले हमें वहां बीएसएफ और सेना को मजबूत करना है, पहला पॉइंट। नंबर दो, अभी कोई भी निर्णय लेने से पहले याद रखिए, लगभग 19,000 भारतीय नागरिक वहां है। 19,000 भारतीय नागरिकों में माना जाता है कि 7,000 के आसपास छात्र हैं, और जो भी किसी भी वजह से, नौकरी की वजह से, किसी भी वजह से जो आ गए, सबसे पहले उन्हें उनका सफलतापूर्वक सुरक्षित वापसी एक सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा नंबर दो पे। नंबर तीन, ये जो हालात हो रहे हैं, आज बांग्लादेश में लगभग 1,31,00,000 हिंदू हैं। याद रखिए, हिंदू सिमटते सिमटते, जब ये 71 की बात करें तो उस समय बांग्लादेश की पॉपुलेशन में 20% प्लस हिंदू थे, और 2024 में जब हम 1,31,00,000 बोल रहे तो केवल 7.9% हिंदू हैं, हिंदू नहीं रहे। यही हालत अफगानिस्तान में हुई, यही हालत पाकिस्तान में हुई, और बांग्लादेश 7.9% जो 1,31,00,000 है, अगर ये हालात बने रहे तो बड़ी तेजी से इसमें भी गिरावट आएगी। आप गाना गाते रहिए अल्लामा इकबाल का कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, मिटती जा रहे हैं आप हस्ती। हिंदू बहुत तेजी से कम हो रहे हैं, और केवल अगर एक जगह है साउथ एशिया में, अगर हम पूरा देखें, आप सिमटते चले जा रहे हैं, गलतफहमी में ना रहे, सोते ना रहे। हम अफगानिस्तान में थे, हम पाकिस्तान में थे, बांग्लादेश तो हमारा था ही, और इन सारी चीजों के बावजूद अब आपके हालात क्या हैं, पहले इस वास्तविक धरातल को जानिए। अगर आप केवल गलतफहमी में रहेंगे तो कब हस्ती बढ़ जाएगी पता नहीं रहेगा। डेमोग्राफिक इंबैलेंसेस बहुत तेजी से हो रहे हैं। चौथा पॉइंट, जो सरकार बनने वाली है, हमारी विदेश नीति को सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि स्पष्ट है कि जो ये सरकार है वो बहुत पॉजिटिव भारत के प्रति नहीं रहेगी। और मोहम्मद यूनुस ने पहला ही स्टेटमेंट, जो मैंने पहले भी कहा, वो ये दिया कि शेख हसीना का भारत जाना बांग्लादेशियों को अच्छा नहीं लगा। इसका मतलब यह है कि इस बात को विषय बनाया जाएगा। हम जैसा भी कहें, वो बात कही जाती है ना, टेढ़ा है पर मेरा है, क्या बताया जाए। भगवान ने जो हमें पड़ोसी दिए हैं वो एक से एक है। एक तरफ पाकिस्तान तो था ही, अब अगर बांग्लादेश यहां आ जाएगा और बांग्लादेश पर आईएसआई और कट्टरपंथिता का प्रभाव रहेगा, तो एक बार से तो हम जूझ रहे हैं, दूसरी तरफ से भी हम इस आतंकी घटना, याद कीजिएगा जब खालिदा जिया बीएनपी की सरकार थी तो एक लॉन्चिंग पैड बन गया था आतंकियों का। शेख हसीना इसलिए महत्वपूर्ण थी कि खासकर नॉर्थ ईस्ट आसाम के उग्रवादी जो बांग्लादेश में शरण लेते थे, शेख हसीना से ने साफ मना कर दिया था। और अगर खालिदा जिया के सपोर्ट से, बीएनपी के सपोर्ट से, जमाते के सपोर्ट से ये सरकार चलती है, तो मान के चलिए कि भारतीय उनके विरुद्ध एक बड़ा मूवमेंट होने वाला है। और आपको पता होगा पिछले 3 सालों से जमाते इस्लामी और कट्टरपंथी एक कैंपेन चला रहे हैं जिसका नाम है इंडिया आउटिव में भी, लेकिन मालदीव में नहीं, बांग्लादेश में एक बड़ा कैंपेन हो रहा है, क्योंकि सेंटिमेंट से खेला जा रहा है। बताने की कोशिश की जा रही है कि बांग्लादेश में अगर कोई भी चीज होती थी तो भारत के हिसाब से होती थी, वो शेख हसीना के साथ साथ भारत को भी टारगेट कर रहा है। ये बात अलग है कि उसी शेख हसीना ने बांग्लादेश को इस स्थिति में पहुंचाया जो कम से कम साउथ एशिया में भारत के बाद दूसरी बड़ी इकोनॉमी है।
कहने के लिए जब वर्ल्ड रिपोर्ट आती है तो आप देखेंगे तो बड़ा अजीब लगेगा, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में विश्व प्रसन्नता सूची में बांग्लादेश भारत से आगे। कई बार आंकड़ों में बेरोजगारी दर में या रोजगार दर में कहें बांग्लादेश भारत से आगे। ये वही बातें हैं, इन रिपोर्टों को केवल आप आनंद के लिए पढ़िए, कोई सर पैर नहीं है। अगर पाकिस्तान में आनंद प्रशंसा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में अगर पाकिस्तान हमसे आगे तो भैया हम नाराजी ठीक है, वैसी खुशी पाकिस्तान को मुबारक जहां ना आटा है ना डाटा है। और यही हाल बांग्लादेश का होने वाला है। कई बार लोगों ने आरोप लगाया, आपने एक वीडियो, बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं उनको आपने पढ़ते देखा होगा, भारत की बेइज्जती करते हुए कहा था उन्होंने कि बांग्लादेश आपसे आगे कौन सी सरकार चला रहे हैं। ऐसे सारे पहलुओं को देखना होगा। तो मेन जो अब हमारा पक्ष है, जो भी सरकार बने, वास्तविक स्थिति यही है कि शेख हसीना नहीं है, आवामी लीग के लोगों को मारा जा रहा है। ऐसे में जो सरकार बने अभी तो वेट एंड वॉच करना है, और वेट एंड वॉच करते हुए जो डिप्लोमेटिक चैनल है जैसे तालिबान के साथ हमने किया उसको ओपन करते रहना है, संबंध बनाने हैं। क्योंकि जैसा अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हम अपना दोस्त बदल सकते हैं पड़ोसी नहीं बदल सकते, बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है, जिन भी हालातों से गुजर रहा है हमें उसके साथ रहना है। ऐसे में यह श्योर करना होगा कि भारत के साथ बेहतर रिश्ते से ही बांग्लादेश की प्रगति निश्चित हो सकती है। क्योंकि अमेरिका को आने में, मदद करने में बहुत देर लगेगी। इमीडिएट अगर कहीं से लाभ मिल सकता है तो वो भारत है। बहुत सारे ऐसे चैलेंजेज हैं, और जैसा मैंने कहा एक बहुत मेजर चैलेंज जो हमारे नागरिकों की सुरक्षा है, उसके बाद हिंदू हितों की सुरक्षा को लेकर भारत सरकार क्या करेगी, क्योंकि जो वहां अल्पसंख्यक हिंदू है वो निसंदेह बड़ी बुरी स्थिति है। इन सारी चीजों पर अगर चलना हो तो हम एक डिप्लोमेटिक, चूंकि आज अमेरिका भी हमारा दोस्त है, रशिया भी हमारा दोस्त है, ऐसे में सारे चैनल खोलकर कम से कम अपने नागरिकों की, वहां अल्पसंख्यकों की हितों की रक्षा का मुद्दा तो तुरंत उठाया जाना चाहिए। विदेश नीति कोई ऐसी भी बात नहीं है कि चाहे पे चर्चा करते वक्त कोई भी बोल दो। मैं देख रहा था कुछ सोशल मीडिया में यह बात हो रही थी, कुछ लोगों ने तो भारतीय विदेश नीति को फेल बोल दिया कि भारत की सरकार क्या कर रही थी। कुछ लोगों ने तो इतना अनाप शनाप लिखना शुरू कर दिया कि जो बांग्लादेश में हुआ वो भारत में भी हो सकता है। मतलब भारत में भी ऐसे विद्रोह से सत्ता परिवर्तन हो सकता है, और यहां के प्रधानमंत्री की तुलना तानाशाह और मानवाधिकारों के हनन, इस तरह की बात की जाने लगी। सेम ऑन डेथ, ये वो लोग हैं जिन्हें ना भारत से मतलब है, ना अपनी भारतीय पहचान से मतलब है, ना गर्व, भारतीय गर्व से मतलब है। ये केवल विरोध के लिए, विरोध और सोशल मीडिया में बने रहने के लिए कुछ बात करते हैं। राजनीतिक पक्षों को हटाइए, ये कीचड़ है, कीचड़। आप जाएंगे तो गंदे ही होंगे। जो लोग ऐसी बात करते हैं, कई लोगों ने पूछा कि ये ऐसा क्यों कहा जा रहा है, तो पहले तो ऐसे लोगों को जवाब ही मत दीजिए, मुस्कुराइए उनकी सोच पर। याद रखिए भारत एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, यहां जो भी आरोप लगा, इतनी सारी चीजें हुई, हमारे यहां सुप्रीम कोर्ट है, हमारे यहां सेना का जो संगठन है वो एकदम अलग है, बांग्लादेश और पाकिस्तान की तरह नहीं है। यहां कुछ नहीं हुआ, ना हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर ने जिस गर्व के साथ भारतीय विदेश नीति को, भारतीय पहचान को आगे बढ़ाया, कुछ गलतियां हैं उसको लोकतांत्रिक चुनाव ने इस बार दिखा दिया, सीटें कम मिली। लेकिन आप इस हद तक पर्सनल हो जाना, किसी बात के विरोध को लेकर पूरे भारतीय अस्मिता के बारे में ऐसा कहना, और हद होती है जब एक पूर्व विदेश मंत्री ऐसी बात कहता है। ये सारे लोग, इन सारे लोगों को अगर मैं बहुत ही अगर कठोर शब्दों में कहूं तो इन सारे लोगों को कम से कम बैन कर देना चाहिए, इनकी शकल तक नहीं देखनी चाहिए। मतलब आप जिस राजनीति, वैचारिक मतभेद होते हैं होने दो, राजनीतिक मतभेद होते हैं होने दो, लेकिन इस सीमा तक गिर जाना कि जो बांग्लादेश में हुआ वो भारत में हो सकता है, ये आपकी निम्नतम सोच को बताता है।
इसलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसे मूर्खों ऐसे लोगों के लिए बहुत कुछ कहना नहीं है। हर बात पे विरोध के लिए ये विरोधाभास पर्सनलाइजेशन है, ये पॉलिटिक्स। दूसरी तरफ देखिए ना, ये देश एक हमारी महान रेसलर जाती है बिचारी अपनी मेहनत से, मैं विनेश फोगाट की बात कर गोल्ड मेडल फाइनल तक पहुंच जाती है, किसी रूल की वजह से जब वो बाहर होती है, एवरीवन इज लुकिंग फॉर द गोल्ड, और कम से कम सिल्वर तो हो ही गया था, कितना डिसअपॉइंटमेंट हुआ, कितनी निराशा हुई पूरे देश को, लेकिन उसके भी पूरे वक्त में ऐसा लग रहा है कि सरकार ने ही हरा दिया। ऐसे में बांग्लादेश की बात हो, भारत के साथ तुलना करके देखना, ये केवल और केवल मेंटल बैंकरप्सी है, जिसे हम कहें मानसिक दिवालियापन है। यहां पर शुरू से जो परंपरा चली है, इसीलिए मैंने इंटरनल पॉलिटिक्स की पहले बात की थी कि क्यों वहां ऐसे हालात, जो विद्वेष है, जो राजनीतिक मतभेद है, वो सारी बातें एक तरफ, जिस तरफ विपक्ष ने इस बार संसद में बताया कि नहीं विदेश नीति के तहत बांग्लादेश के मुद्दे पर हम सरकार के साथ हैं, और सरकार ने भी अपनी पक्ष बताई कि हम क्या सोच रहे हैं, जैसा हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कहा कि यह बहुत जल्दी होगी यह बताने में कि आखिर एक्सटर्नल इसमें हैंड्स क्या थे और भारत सरकार किस तरह आगे बढ़ेगी, वेट एंड वॉच की पोजिशन। हमें बड़ा सेंसिटिव होना चाहिए, यह मुद्दा कुछ ऐसा नहीं है कि जैसे आप खाने में चावल दाल खाएंगे या फिर जो है पूरी सब्जी खाएंगे और आपने निर्णय ले लिया। ये पूरे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को, हमारे रिलेशन को, हमारे इकोनॉमिक सोशल कल्चरल रिलीजियस ढांचे को प्रभावित करता है। ये बहुत सोच समझ के विचार करने वाली चीजें हैं। ऐसे में बांग्लादेश के जो हालात हैं और जिस तरह सड़कों पर वहां हो रहा है, मैं भी आ रहा था तो मैंने देखा कि पुलिस थानों को आग लगा दी जा रही है, पुलिस थानों को छोड़कर भाग चुकी है, जेल से कैदी और जो एकदम निर्मम कैदी थे, आतंकवादी थे, वो भी छोड़ के भाग चुके हैं। पहले बांग्लादेश को बचाइए। आज बांग्लादेश में सबसे पहला पॉइंट है कि जल्द से जल्द बांग्लादेश में स्थिरता आए। फॉर्चुनेटली आज वहां सरकार बनी, लेकिन उपद्रव कम नहीं हो रहा है। आवामी लीग के नेता हो, पॉलिटिकल जो एनिमी हो, उनका मर्डर हो, अल्पसंख्यकों पर हमला है, पहले उसको शांत करना और इसके लिए पूरे वैश्विक संदर्भ को सोचना चाहिए, जिसमें भारत आराम से, भारत बहुत शिद्दत से सोच विचार कर अपनी डिप्लोमेसी के द्वारा इसकी ओर आगे बढ़े, और तब जाकर हम आगे सोचें। यह तो स्वीकारना होगा कि अब आवामी लीग नहीं रही, शेख हसीना अभी वहां पीएम नहीं, आगे क्या, और आगे क्या कि तुम बड़ा फूंक फूंक कर, बड़ी सोच समझ कर हमें इन रिश्तों को बहाल करना होगा, क्योंकि बांग्लादेश की जियो स्ट्रैटेजी ऐसी है जो भारतीय हितों से स्पष्ट जुड़ी है। याद रखिए, हमारा नॉर्थ ईस्ट, ये हमेशा कहते हैं सब, भारत में कई बार ऐसे उपद्रवी और कट्टरपंथी लोगों ने कहा चिकन नेक, जो सिलीगुड़ी से जो कॉरिडोर है हमारा, जो नॉर्थ ईस्ट को मुख्य भूमि से जोड़ता है, उसको चिकन नेक कहते हैं, मुर्गी की गर्दन, और हमेशा कहते हैं इसको हम अलग कर देंगे। तो बड़ी सारी चिंताएं हैं हमारी क्षेत्रीयता, हमारी अस्मिता, हमारी अखंडता, हमारी एकता की। इन बातों को लेकर जब भी हम ऐसी बात करते हैं, पहले हमें सेंसिटिव तरीके से देखना चाहिए। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, पंडित नेहरू ने कहा था, भारतीयता को पहले जिंदा रखिए। याद रखिए, अगर धर्म को, कट्टरता को आगे रखा जाएगा, राष्ट्र को सेकंड पे, तो हमेशा ऐसी दिक्कतें आएंगी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने साफ कहा कि इस्लाम में एक दिक्कत जो उनको समझ में आई कि इनके लिए धर्म प्रथम है और राष्ट्र द्वितीय है, और ऐसा होगा तो इनको कट्टरपंथी ताकतें एक तरह से समझा बुझाकर, उन्हें गलत तरीके से नियंत्रित कर उन्हें दूसरी दिशा में मोड़ सकती हैं, कट्टरपंथिता अराजकता में मोड़ सकती है। याद रखिए, 56-57 इस्लामिक राष्ट्र हैं, सभी जगह हालत खराब है, जनसंख्या इस्लामिक है, वहां भी द्वंद है। ऐसे में जो एक आशावादिता है वैश्विक शांति की, भारत में जब तक ये सनातन धर्म की
टॉलरेंस है। जब तक सबको साथ लेने की बात है, जब हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यवान्, ये वो प्रार्थना है सबको साथ लेने की चलती है। टॉलरेंस आपके पास है, लेकिन यही टॉलरेंस कमजोरी बनती जा रही है। हमें अपने हितों की रक्षा करनी होगी, शस्त्र और शास्त्र की बात की ओर बढ़ना होगा। और साथ ही साथ एक बात और याद रखिए, अभी पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2024 यूएनओ ने जारी की है और उसमें बताया है 2085 में भारत की जनसंख्या चाइना की जनसंख्या की दोगुनी हो जाए, और 2054 में जो पहला भारत दूसरा चाइना तीसरा सबसे बड़ा पॉपुलेशन का देश अमेरिका नहीं रहेगा, पाकिस्तान हो जाएगा। डेमोग्राफिक इंबैलेंस बहुत तेजी से होंगे और इस डेमोग्राफिक इंबैलेंसेस को देखना जरूरी है। और भारत सरकार को यह जरूर देखना होगा, जो जनसंख्या नियंत्रण नीति है उसकी ओर आना चाहिए, क्योंकि एक चीज बड़ी साफ है कि जो हम सनातन धर्म की बात करें, हिंदू धर्म की बात करें, अगर वो भारत में सिमटा हुआ है, हम सेकुलर हैं, पंथ निरपेक्ष हैं, इसलिए क्योंकि हमारे पास सनातन संस्कृति है, हम सबको साथ लेकर चलते हैं। ऐसे में जनसंख्या नियंत्रण बिल एक जिसको कहते हैं ना कि नीड ऑफ आर है, यह समय की आवश्यकता है, इसे लागू करना चाहिए। जिस तरह से बहुत सारे जिलों में इंबैलेंसेस होते चले जा रहे हैं, आप याद रखिए अगर इस तरह से दर बढ़ती रही तो जो संभावनाएं आपको लगता है कि कोई आरएसएस या कोई दक्षिणपंथी व्यक्ति बोलता है उसके खिलाफ आप हो जाते हैं बुद्धिजीवी बनकर, आने वाले समय में सारी बुद्धि केवल जीव बनकर रह जाएगी। इसीलिए सबको साथ लेकर चलना, ये धार्मिकता की लड़ाई नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी यहूदी सबको संभालने वाला देश है भारत, यही हमारी पहचान है, यही गंगा जमुनी संस्कृति है। और ये तभी रह पाएगी जब हमारा कल्चर भारतीय होगा। याद रखिए इंडोनेशिया सबसे बड़ा मुस्लिम देश है लेकिन कहता है कि हमारा धर्म इस्लाम है लेकिन हमारी संस्कृति भारतीय है। लेकिन अगर इस तरह से कई कारणों से इस सरकार के प्रति अगर आपको आक्रोश है, रखिए वोट से हटाइए ना। सड़कों पर इस तरह की भीड़ का आना, आतताइयों का आना और इस तरह से कत्लेआम मचाना, ये कभी भी स्वीकारा नहीं जा सकता। इसलिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है ये, तालिबान के बाद, पाकिस्तान की घटना के बाद और बांग्लादेश में होने के बाद, कि हमें अगर भारत को जिंदा रखना है, भारतित्व को जिंदा रखना है, तो सभी ऐसे मुद्दों पर संवेदनशील हो और किसी भी तरह की बकवास, किसी भी तरह की अफवाह से बचकर रहे। कूटनीति, पड़ोसी देश के साथ संबंध बड़ा नाजुक मुद्दा होता है। और एक चीज मैं फिर कहना चाहूंगा, जातिगत जनगणना होती रहे लेकिन उससे पहले जो भी विपक्ष कहता है, जो उसके प्रो कॉन्स से देखे जाए, लेकिन उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट है जनसंख्या नियंत्रण बिल का लेना। अगर ये इंबैलेंसेज हुए तो आप मान के चलिए जो 2085 की रिपोर्ट कहती है कि अगर मुस्लिम जनसंख्या भारत में बढ़ती चली गई, बहुत मुश्किल होगा इन सारी हमारी जो परंपरा रही है सदियों की उसको बचा कर रखना। वो चूंकि ये एक ब्रुटल ट्रुथ है कि इस्लाम सेकुलरिज्म को नहीं मानता। आप देखिए चाहे जितने भी ऐसे देश हैं, इस्लामिक देश हैं, वहां लोकतंत्र कहां स्थायी रह पाए। इसका मतलब लोकतांत्रिक परंपरा में धर्म को प्राथमिक मानने वाले जो मुसलमान हैं, वो लोकतंत्र में बहुत विश्वास नहीं रखते। इसीलिए कहा कि मैं हमेशा कहता हूं कि इंडियन मुस्लिम हमारी वरीयता है, इंडियन मुस्लिम बनिए, मुस्लिम इंडियन अगर बनेंगे, मुस्लिम को पहले मानेंगे, धर्म को पहले मानेंगे, तो ये दिक्कत होगी। और इस फेज में एक ट्रांजिशन फेज चल रहा है, इन सारे हालातों को ये बहुत अजीब से दौर से दुनिया गुजर रही है। कहीं रसिया यूक्रेन से युद्ध कर रहा है, कहीं इजराइल और हमास के बीच लगातार जंग जारी है। ऐसे में इस तरह पूरा अगर मिडिल ईस्ट देखा जाए तो अपने हालातों में बहुत समय से जूझ रहा है। और ऐसे में अगर भारत के आसपास भी ऐसे चैलेंजेस हो जाएंगे तो आने वाला समय, आज आप 2024 मत देखिए, हम भारतीयों की एक बड़ी अजीब सी चीज है कि हम शुतुरमुर्ग बन जाते हैं।
आसपास क्या हो रहा है, हम बस अपना चिंतन करते हैं और सोचते हैं कि छोड़े आगे क्या होगा। एक बड़ी अच्छी कहावत है ना, कहा जाता है कि सब चाहते हैं भगत सिंह हो लेकिन दूसरे के घर में हो, क्योंकि वो फांसी पे चढ़ जाएगा, अपने बेटे को भगत सिंह नहीं बनाएंगे। समय यही है कि सबको सोचना है, सबको विचार करना है। भारतीय सांस्कृतिक अस्मिता आपके हाथ में है, न हिंदू न मुसलमान न सिख न ईसाई न बौद्ध न जैन सब है, लेकिन एक चीज है, भारतीय परंपरा को कायम रखना है तो इस इंबैलेंसेस को चेक एंड बैलेंस देखना होगा। सबको यह मांग करनी चाहिए कि जनसंख्या नियंत्रण बिल को प्रभावी तरीके से लागू किया। तो ये इशू कई सारी चीजों से जुड़ता है, इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि अभी जो बांग्लादेश की राजनीति है, अभी कुछ दिनों तक बड़ी उथल फुथल में रहेगी, इसको शांत होने का इंतजार करते हैं और उसके बाद भारतीय विदेश नीति और कूटनीति की तरफ आपको भरोसा रखिए कि जरूर हम जो भी बेहतर संबंध हो पाएंगे हम उसकी ओर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।